दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि गूगल पे से अगर आपके वॉलेट में पैसा है या तो यूपीआई में पैसा है तो उससे आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप पीसी से आसान तरीके से एयरटेल का रिचार्ज या तो किसी और का भी रिचार्ज कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चल पाएगा। और ऐसे ही एयरटेल, वोडाफोन, LIC जो कि DTH रिचार्ज होता है वो भी मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक एक करके देख सकते हैं, आपको उसमें बेनिफिट जरूर होगा। अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल सभी के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके और आसान तरीके से रिचार्ज कर पाए। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम बनाते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल माई नॉलेज शेयर को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए ताकि कोई आइकन को मैं ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल माई नॉलेज सर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज ऑफ वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपके और हमारे यूट्यूब चैनल माई नॉलेज शेयर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए, एक नए नॉलेज के साथ कुछ नया सीखते हैं आज। दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल पे पहले इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद यहाँ ओपन करना है। आपके वॉलेट में पैसा है तो भी आपको यहाँ से रिचार्ज कर पाएंगे, या तो UPI में है तो भी यहाँ से रिचार्ज कर पाएंगे। यहाँ मैं मेरा जो सीक्रेट पासवर्ड होता है वो मैं डाल देता हूँ। तो अभी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं यहाँ पासवर्ड डाल के आगे की प्रोसेस आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे इस तरह आपका गूगल पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू पेमेंट का, आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू पेमेंट, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिसको भी पैसा भेजना होता है वैसा एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल रिचार्ज, तो उस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो अभी हम यहाँ मेरा मोबाइल नंबर है वो डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ जो आपको एरो दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, तो कौन सा है मतलब एयरटेल है, वोडाफोन है, वो सिलेक्ट करना। मैंने एक बार रिचार्ज किया, इसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं एयरटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी प्लान आपको यहाँ शो हो जाएंगे, कौन से प्लान आपके मोबाइल नंबर पे अवेलेबल है। आप 3G 4G डेटा के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल रिचार्ज करना है तो यहाँ कर सकते हैं। आपके हिसाब से आपको जो भी रिचार्ज करना है यहाँ से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं हमारे लिए कौन सा प्लान अच्छा है और यहाँ से हम उसका रिचार्ज कर देते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा रिचार्ज हमारे लिए अच्छा है। तो अभी यहाँ 149 का रिचार्ज है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको हमारा जो भी बैंक होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख लीजिए, प्लीज़ एक्सिट एनी ऐप डैट मे बी ड्रॉइंग ओवर द स्क्रीन एंड ट्राई अगेन। मतलब कि दोस्तों, ये जो है स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करने देगा, तो इसके लिए इसके आगे का स्टेज करके आपको दिखा। तो दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डर था तो ये गूगल पे नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे पोज कर दिया था। अभी आप देख सकते हैं गूगल पे में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया है। 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपका पैसा कटा है तो आपके बैंक में आ जाएगा। पर अभी फिलहाल रिचार्ज का, बैंक का, सभी का बोझ बढ़ गया है क्योंकि सभी लोग रिचार्ज ज़्यादा कर रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं, इसके लिए बार बार ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ऐसे जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपका सीक्रेट जो भी 4 या तो 6 अंक का होता है वो डालने के बाद आपके जो भी मोबाइल नंबर में आपने रिचार्ज किया होगा उसमें तुरंत आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा आसान तरीके से हम घर बैठे अपने मोबाइल से गूगल पे से कैसे एयरटेल, वोडाफोन सभी का रिचार्ज कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा करना है तो सिंपल तरीके से वीडियो देख के आप कर पाएंगे। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन लगे, कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर करिएगा, तो मैं उसका पॉसिबल हो सकेगा उतना रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो चलिए, ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो लेके फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।